वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बस मुस्कुराते रहे, खुश रहें, मेरी दुआ है यही दिल से जी। तो मैं क्या बना रही हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आज, तो कुछ ना पूछे कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज तो जी ये रेसिपी शेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पता, आज मेरा व्लॉग बहुत ही लॉन्ग होने वाला है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा व्लॉग है आज। और वो है जी आज अबाउट मेरे बेटे की बर्थडे की डेकोरेशन करनी है एंड सेलिब्रेशन करनी है। तो इसके साथ देने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड लाइक करना वीडियो ना भूलिएगा एंड प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स जानने के लिए। बहुत सारे काम है, बहुत सारा कुछ करना है, तो चले जी इसको अभी छोड़ दें, इसको मैं आपको बाद में शेयर करूँगी मैं कैसे बनाया क्या बनाया, और इसका व्यू भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं, बहुत सारे काम करने। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ इंस्टा और मैंने जो इन्विटेशन कार्ड्स बनाए थे इसके फ्रेंड्स के लिए, अपने भाई की बर्थडे क्या इन्विटेशन देने के लिए, तो कार्ड्स नहीं बनाए थे, कुछ इस तरह से शेयर करती हूँ आपसे। Assalamu alaikum. I am inviting you on my brother's first birthday on 23rd of January, 3 o'clock. Come and join our kid's birthday party, please. He will happy to see you. Thank you. Allah Hafiz. जी तो यहाँ मैंने आपको कार्ड शेयर कर दिया है और दिखाया है कि हमने क्या किया और कैसे किया है, आपको आइडिया भी मिल जाएगा। एंड साथ में जी प्रिपरेशन होने वाली स्टार डेकोरेशन की, तो जी झटपट होते स्टार्ट, हेल्पर के काम फिनिश हो गया और वो नीचे आए हैं। 5 o'clock का टाइम है और मेरा तो यही पोस्ट वगैरह पे टाइम गुजर गया, बहुत अच्छा लगा। एंड रात का टाइम है और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये मिरर आपको याद होगा, कहीं देखा है आपने, ये आपने मैंने देखा होगा मेरे नीचे पेंट्री में, वहाँ पे था ये ओल्ड और मैंने फेंका नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे डेकोरेट करती हूँ और कैसे यूज़ में लाती हूँ। साथ में जी मैं भी हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ, वो अपनी डेकोरेशन, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम सर अंजाम दे रही हूँ, तो साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं जी। यहाँ पे हस्बैंड है, मैं हूँ, छोटू है, इंशरा है, सब मिलकर डेकोरेशन करेंगे एंड अपना टाइम स्पेंड करेंगे खुशी खुशी एक साथ जी। तो लेट्स एंड करते हैं जी स्टार्ट, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। और आज मैंने कुछ पकाया भी नहीं क्योंकि किचन बिजी थे डिज़र्ट बनाने में, तो जी आज देखते हैं ये सब काम निपटा के फिर हम कुछ खाएंगे जी। आज तो बहुत भूख लग रही है। खैर बाय द वे ये सब कुछ तो चल रहा है जी, ये सब सारा काम वगैरह हो रहा है, तो आपको इंशाल्लाह कल फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। अभी चल जी, तो मैं रात सो गई थी, बहुत थक गई थी और हम 12 बजे सोए जाके एंड बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और सुबह अभी मैं अर्ली फिर उठ गई हूँ क्योंकि छोटे ने मुझे उठा दिया और मैंने थोड़े से मेन टेबल वगैरह सेट करना है, जो बाकी थोड़ी सी थिंग्स रहती थी वो करनी है। एंड साथ में फिर मैं ऊपर जाऊँगी रेडी होने के लिए क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सेटअप किचन में करके रख दूँगी चीज़ें ऑर्गेनाइज, क्योंकि उबैदुल्ला सारी चीज़ें उठा उठा के नीचे फेंकेगा, इससे पहले कि नीचे फेंके तो हम अपनी चीज़ें खुद ही संभाल लें। तो मैं फिर जाने वाली हूँ रेडी होने, सब करके एक साइड पे करके, ताकि एंड टाइम पे 5-10 मिनट्स पहले आके मैं सारा सेटअप कर दूंगी एंड उबैदुल्ला को अपने अंडर में ले लूँगी ताकि कोई चीज़ ना चिढ़े। चलो चलो चलते हैं ऊपर, रेडी होने आ गई हूँ मैं जी। तो उबैदुल्ला सो चुका है, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ प्यारी सी मम्मा को और मम्मा प्यारी बनाने के लिए जी। तो यहाँ मैंने क्या आपको दिखा देती हूँ अपना आउटफिट, मैंने ये आउटफिट आजदा से लिया था, ये नीचे में लॉन्ग मुझे नहीं मिला था एंड ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आई थिंक जब मैं रेडी हो जाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में जी कोई पजामा वगैरह मैच नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें डार्क ब्लू है, तो मैंने फिर जीन्स का मैच किया इसके साथ, कम्बिनेशन किया। साथ में जी मैंने प्यारा नाइस डिसा सा नेकलेस लिया है क्योंकि ड्रेस का कॉलर है, बटन्स हैं आगे लगे हुए एंड इस तरह से, तो मैंने छोटा सा टॉप एंड एक छोटा सा इयर रिंग है। साथ में परफ्यूम है, टिंट का शेड दूंगी चीक्स पे,
अपने आप को बहुत ही मम्मा लुक देने वाली हूँ। मैं अपने आप को मम्मा की लुक में क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जस्ट पोनीटेल बनाऊंगी, बाल ऊपर नहीं छोड़ूंगी, एंड स्मॉल सा छोटे छोटे इयररिंग पहनूंगी, स्मॉल सा नेकलेस, सिंपल सा, ताकि एक डिसेंट सी लुक आए मेरी मध्य वाली, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बाल ओपन करने वाली हूँ और ना ही ज़्यादा मेकअप एंड ना ही कुछ बड़े इयररिंग पहनूंगी, क्योंकि बैदुल्ला डिस्टर्ब होगा, क्यों हम कितना मैं हल्का फुल्का होंगी, अपने आप को भी हल्का फुल्का फील करूँगी और मेरा जो बेबी है वो भी मेरे साथ इजी इंटरटेनमेंट में हिस्सा ले सकता है, इंजॉय कर सकता है। और ये टेंट मुझे, आई लव दिस टेंट। चलो चलते, मैं हो गई हूँ रेडी रेडी स्टडी, और यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ डेकोरेशन का फाइनल लुक। जी तो ये है जी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा हुआ है। यहाँ ऊपर बलून्स, मैंने प्लेन वाले बलून्स उसके अंदर थिंग डाल के उसको मैंने ऊपर हैंग कर दिया, ताकि वो एक बल्ब वाली लुक में आ जाए। वो बहुत प्यारा लग रहा है एंड इतनी प्यारी लुक क्रिएट हुई है। एंड ये बलून्स, ये बैनर, एवरीथिंग, ये पूरा एक सेट था जो कि हस्बैंड ने चूज़ किया एंड प्लान किया। काफ़ी डे से प्लान चल रहा था और ये सब सेटअप एक जगह से इन्होंने लिया, अमेजोन से ऑर्डर किया था, और सब सेटअप एक साथ में मी पूरा सेट आया है। बलून्स, बैनर, वॉल डेकोरेशन, मीन वॉल पेपर्स, एवरी थिंग, बहुत कुछ इसके साथ आ गया था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। एंड ये फ़ोटोज़ वाला सेशन ये मेरा आइडिया था और मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये पूरा फुल ईयर की मेमोरीज़ हैं उबैदुल्ला की, जो एवरी मंथ मैं इसके क्लिक करती थी, तो वो मैंने इसके अंदर जस्ट की हैं जी, न्यू बोर्न से 1 ईयर के स्टार तक। तो इस तरह से बलून्स हैं बहुत प्यारे, सब हस्बैंड ने ब्लैन किया, उन्होंने सब डेकोरेशन किया। इस बलून पे हैप्पी बर्थडे उबैदुल्ला ये लिखवाया है जी, एंड साथ में बहुत प्यारे कलरफुल थीम दी गई है, क्योंकि वॉलपेपर इतना प्यारा है, बेबी थीम है और बहुत ही प्यारा लगा है जी। तो सब कुछ मैंने घर की चीज़ों से ही डेकोरेट किया है, एंड किस तरह से किया है आप देख सकते हैं और गेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे लॉलीज भी हो गए हैं, केक पॉप्स भी सॉरी रेडी, एंड इस तरह से बच्चों की चीज़ें हैं जो बच्चे इजीली खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट होगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जी आप इंजॉय कीजिए मेरा फुल सेटअप थोड़ा सा म्यूज़िक थीम के साथ, ताकि आपको अच्छा लगे एंड आप लोग थोड़ा सा हैप्पी फील करो जी। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे। नंबर 1 एंड यहाँ पे वो मिरर है जिसमें मैंने अपने लाइट फ्लावर जो मेरे ड्रेसिंग पे थे वो यहाँ पे लगाए हैं, और उसके ऊपर स्टिकर से मिरर को कवर कर दिया, बहुत ओल्ड मिरर को मैंने प्यारा सा बना दिया। उस पे जो बैदुल्ला अपना प्ले करेगा, अपना केक वगैरह इंजॉय करेगा, साथ में वॉज रख दिया कलर फ्लावर और कलरफुल सॉरी। और यहाँ पे जी ये डिज़र्ट वगैरह, मार्शमेलो, चॉकलेट्स, मिनी डोनट्स, कैंडीज, और इसके साथ रखा है जी स्प्रिट फाउंटेन जो कि वो बनाना है, एंड आई थिंक बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और साथ में हम भी। एंड चलें जी देख ले, साथ में फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, और जो भी बच्चों को पसंद आएगा वो खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों को ही इनवाइट किया, मदर्स को नहीं किया, क्योंकि यू नो के बच्चे तो अलाउड है ना। तो साथ में जी ये मैंने क्या किया, बलून्स वगैरह सब थीम के साथ मैच हो रहे थे। कुशन्स जो मेरे पास नीचे सेव पड़े थे, कलरफुल कुशन्स हैं स्टार्स में, ग्लिटर में, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से सेटअप कर दिया है। एंड ये जो बड़े बलून्स आपको नज़र आ रहे हैं, कार्ड्स वगैरह, ये भी साथ में आए थे। यहाँ बास्केट में मैंने छोटे छोटे टॉयज़ रखे हैं, प्राइज जो बच्चों को देने हैं हैप्पी करने के लिए। एंड यहाँ पर मैंने उनके प्राइज बैग्स बनाए थे, नेम्स ऊपर लिख दिए थे मैंने, ताकि इजी हो इंशरा को उनको देने के लिए, मीन थैंक यू प्राइजेस बनाए थे। ये एनवलॉप्स, इसके अंदर फूड वगैरह बच्चों का, चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज वगैरह रखी थी, साथ में गिफ्ट्स वगैरह रख दिए ताकि इजी हो जाए। जी ये सारा सेटअप कर
करें जी, आप इंजॉय। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा जी। यहाँ पे केक हो गया रेडी हैप्पी बर्थडे वन के साथ, और हमें ये बनाने में, डेकोरेट करने में बहुत एफर्ट लगी, बहुत टाइम लगा माशाल्लाह। और बहुत ही, जब फाइनल लुक हो जाती है ना, तो हमारे जो होता है ना, बहुत नाइस फीलिंग्स आती आ जाती हैं, और बंदा बहुत एक्साइटेड होता है। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह, बेटे की बर्थडे, लोग के फर्स्ट बर्थडे माशाल्लाह। एंड इंशा भी बहुत एक्साइटेड है, एंड ज़्यादा एक्साइटेड है वो। अच्छा, साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ बच्चों के दूसरे रूम में हमने खाने का इंतज़ाम किया है। यहाँ पे एक टेबल पे, मैंने डाइनिंग टेबल पे इस तरह से ट्रेस रख दिए हैं, कुछ ग्रेटर नीचे से राउंड वाले, कुछ टाइप रख दिए हैं ताकि अच्छा लगे। कि मैं जूस वगैरह रख दिए हैं टू टाइप के, एंड प्लेट्स के ऊपर टिश्यू मैंने छोटे से स्टाइल में बना के इस तरह से नैपकिन रख दिए हैं साथ में जी। इसे कॉप्स ऑर्गेनाइज मेन टेबल कर दिया है कोक के साथ, एंड बच्चों को बस खाना वगैरह इजीली देंगे, जो बच्चे खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह या चिकन वगैरह इस तरह से। और ऊपर बैनर मैंने हैप्पी बर्थडे का लगा दिया ताकि छोटी सी लुक आ जाए, और बच्चों को ये बहुत प्यारा लगता है, एंटरटेनमेंट प्यारा लगता है, कलरफुल उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि वो इंजॉय करेंगे हमारे साथ। और जी यहाँ होगी इंशा रेडी, मैंने कहा इंशा कि आपको लुक दिखाती हूँ। मैंने इसकी कल चुटिया बना दी थी बारीक बारीक नहाने, बाल वॉश करने के बाद, तो वो इस तरह इसके बाल प्यारे से बन गए नाइस से स्टाइल में माशाल्लाह। ये भी बहुत एक्साइटेड है ड्रेस पहनने के लिए, पहने गए थे साथ साथ जी। जी मेरा बेटा माशाल्लाह की उर्सा रेडी हो चुका है प्यारी सी हार्ट के साथ एंड ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, और ये जी वेट कर रहा है अपने पापा का ताकि वो आए और केक कटिंग कर। यहाँ हो गया है, सॉरी यहाँ हो गया है जी बच्चों के खाने का टाइम, उनको उनका पिज़्ज़ा अपनी पसंद का खाना दिया है जी, वो कर रहे हैं एंजॉय। और इसके बाद जी उन्होंने वो प्ले करेंगे अपना केक वगैरह कट करना, मेन खाना हुआ तो वो खाएंगे, लेकिन नहीं तो मैंने आइडिया सोचा कि उनके साथ मैंने प्लान कर लिया था कि बॉक्सेस में डाल के उनके साथ घर भेजूंगी, ताकि बच्चे हमेशा घर जाके इजीली होके खा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे घरों में थोड़ा सा शाय होते हैं, इसलिए मैंने ये आइडिया सोचा था, मैंने बॉक्स वगैरह में डाल के रख दिया है। साथ में जी इंशरा तो ड्रेस के लिए तो ऑलरेडी एक्साइटेड थी, और बहुत ही उसे शौक था कि कब मैंने ड्रेस पहना है। और उससे ज़्यादा जी भाई के गिफ्ट्स हैं तो ओपन मैंने ही करने हैं, उसके साथ दे दे के जो बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह वो भी कह रहे हैं जी मैंने, हमने भी गिफ्ट्स ओपन करने जो हम लेके आए हैं, तो मुझे इतने प्यारे क्यूट लगे। और इसमें ये गिफ्ट्स थे कुछ हस्बैंड के, और ये वाला जो गिफ्ट है ये ओपन करे, ये मेरा, मैं चलो आपको दिखाती हूँ। मैंने प्यारों से एक पियानो स्टाइल में म्यूज़िक साउंड देता है वो वाला लिया था साथ में जी। और इसको इंशा को इतना शौक है गिफ्ट्स ओपन करने का, आप यकीन जाने गिफ्ट्स उसके, और इसको बहाना चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए जी गिफ्ट्स ओपन करने का। तो इतने बच्चे हैप्पी होते हैं माशा, इन्होंने खूब बच्चों ने प्ले किया है, इंटरटेन किया है, मैंने भी इनको, और बल्कि घर भी नहीं जा रहे थे, और उनके मामाज की कॉल सारे वैसे जा रहे थे जी बच्चों को भेज दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था माशाल्लाह और जाने का नाम ले रहे थे माशा, बहुत इंजॉय किया इन्होंने। और जी फाइनल इंशरा के फेस पे आप इसकी स्माइल देखिएगा, क्योंकि ये गिफ्ट है जी इंशरा के लिए, हमने शौक से ही लिया था, हम कह चले जी कोई बात नहीं इंशा भी रेडी हो जाएगी, इसने बहुत साथ दिया है, इसने हमारा पूरा प्लान हमारे साथ फॉलो किया है, हमारा कंट्रीब्यूट किया है काम, इस तरह से बहुत साथ दिया है, तो इतनी हैप्पी हो गई लुक एट हर स्माइल। जब बच्चे माशाल्लाह हैप्पी होते हैं तो पेरेंट्स ऑलरेडी ही हैप्पी हो जाते हैं, एंड उनकी स्माइल बच्चों की स्माइल में ही छुपी हुई होती है, तो इस तरह से बच्चे को बड़ा शौक है खुद से ओपन करने का माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा, सबने गिफ्ट्स भेजे, सबने प्यार भेजा, मेरे आम लकी कि मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह, मेरे व्यूज़ इतने अच्छे हैं, चाहने वाले हैं उनको ही मैं शेयर कर रही हूँ माशाल्लाह, अपनी खुशियों में शरीक कर रही हूँ, इन्वॉल्व कर रही हूँ, ताकि हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं माशाल्लाह, और मैंने अपनी खुशी में सबको शामिल रखा, मेरे फ्रेंड ने इतने प्यारे गिफ्ट्स माशाल्लाह भेजे हैं,
कि मेरा देख के दिल इतना खुश हो गया। माशाल्लाह, इज़ माई वेरी 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 बेस्ट डे टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड माई सन इज़ वेरी वेरी लकी, माशाल्लाह, ही हैव गुड फ्रेंड्स एंड ब्रदर सिस्टर्स। सो बस आप लोग सब दुआ कीजिए मेरे बेटे के लिए कि वो अच्छा बने, एंड ढेर सारी बस दुआ दीजिए और प्यार दीजिए। मेरा भी सबके लिए प्यार है और दुआ है। यहाँ देखें जी, मैंने कहा उबैदुल्ला की आपको लास्ट लास्ट लुक दिखा दूँ, और बहुत अच्छी बात है कि ये वैसे केक नहीं खाता माशाल्लाह, इसने ज़रा भी मुंह में नहीं डाला, लेकिन ये है कि हाथों के साथ इसने प्ले ज़रूर किया है, और आई लव दिस हिज मोमेंट, लुक एट हिज स्माइल, माशाल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हम यहाँ पे एक छोटी सी उबैदुल्ला की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आए हैं, है ना उधर? क्या लेंगे? ये ठीक है सर, उबैदुल्ला के लिए ये हमें कॉल कर लेगा। ये उबैदुल्ला को वाओ, ज़ेफ़ा वालू, ज़ेफ़ा वालू, थैंक यू ज़ेफ, दिस इज़ नाइस है। ज़ेफ़ा की तरफ से उबैदुल्ला को वाओ, ये उबैद अब्दुल्ला वास्ते, हाँ ये भी ना, ये मेरे वाला। उसने बैदुला के लिए कार ली है। अच्छा अच्छा ये फिर पक्का यार, फाइनल हो गया। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? या योर हेयर, आई एम टुडे फ्रॉम शॉपिंग, बैदुला के लिए शॉपिंग करने आए, इन क्या गिफ्ट करने, उसकी बर्थडे है। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत ऑफ विशेज टू यू, एंड या थैंक यू फॉर कमिंग इन द वर्ल्ड, थैंक यू फॉर गॉड के फिर तुम्हें भेजा, एंड हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। सो अभी हम शॉपिंग करने आए थे, बेबी शॉप में वर्सी, हम क्या शॉपिंग करते हैं। माई बेटे, बहुत ही प्यारे बी लव्ड बेटे जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद उबैदुल्ला। और अभी देखते हैं कि तुम्हारे लिए शॉपिंग क्या करें। ओके ओके, देखते हैं हम आपके लिए क्या शॉपिंग करते हैं। सो खाला की तरफ से तुम्हें क्या 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 गिफ्ट मिलेगा। सो आई एम सो कन्फ्यूज, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए। सो ये तो तुम्हारे लिए कर लिया, ठीक है, ये बेहतर लग लिए। जी ये मुझे रैक नज़र आ रहा है कुछ स्टफ टॉयज का, और मीन आई लव स्टफ टॉयज ऑफ कोर्स, किसको नहीं पसंद। सो यहाँ पे हम क्या पसंद करते हैं, मोहम्मद उबैदुल्ला के लिए। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, सो प्रीटी क्यूट पांडा एंड टेडी बियर, एंड ओ माय गॉड यस, फाइनली वाइट वाला ऑफ कोर्स फॉर मोहम्मद उबैदुल्ला गिफ्ट, यस। हाँ जी, यहाँ पे उबैदुल्ला की खालों को रैक में बहुत कुछ पसंद आ रहा है, तो उसमें से ये स्टफ़ टॉयज भी हैं। स्टफ़ टॉयज में आई लाइक इट, ओ माय गॉड, मीन ओ माय गॉड, लुक दैट, सो लवली, सो इट्स फॉर मोहम्मद उबैदुल्ला।
और यहाँ पे जो मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरी सिस्टर जो जर्मनी वाली है, उन्होंने और अमेरिका वाली सिस्टर ने बकायदा जाके मेरे बेटे के लिए गिफ्ट्स लिए और बहुत सारी विशेस भेजी, और मुझे उन्होंने क्लिप्स वगैरह बना के सेंड किए। मैंने कहा क्यों ना मैं शेयर करूँ और अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ, कि दूर बैठे हमारे जो अपने होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, परदेश में होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन हमारे दिलों के करीब होते हैं। तो जी इसी तरह आप मेरे व्यूज़, मेरे फ्रेंड्स सब मेरे बहुत करीब हो, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे बेटे के लिए विशेस भेजी, दुआएं भेजी। अल्लाह ताला सब बच्चों को ऐसे ही खुश रखें। और जी और उसकी नानों ने, मामों ने, सब ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया, मैंने भी सेलिब्रेट किया, सो हमारी खुशियाँ दुगनी होगी माशाल्लाह। और आपके साथ भी शेयर कर। कि जी ये था मेरा व्लॉग खुशियों भरा, आई होप आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।